जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा के निर्देश अनुसार केलिया थाना क्षेत्र में ग्राम पिपरी कला में स्थित इंडस टावर से 8 अदद टावर टैप बैटरी की बरामदगी की गई है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने अपने दो साथी अरबाज पुत्र अजमेरी राइन निवासी मोहल्ला मालवीय नगर थाना कोच जनपद जालौन, मनुआ उर्फ बेहना पुत्र अज्ञात निवासी मोहल्ला आजाद नगर थाना कोच जनपद जालौन के साथ मिलकर ग्राम पिपरी टावर से 8 बैटरी चोरी की थी। उन लोगों ने जनपद जालौन में और अन्य जगह टावर से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। बैटरी को बेचने से जो रुपए मिले हम लोगों ने आपस में बांट लिए थे और अपने शौक और जरूरतों में खर्च कर दिए। गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, केलिया थाना अंतर्गत दो अभियुक्त बैटरी चोरी के आरोप में पकड़े गए हैं, क्या है सर पूरा मामला? जी, केलिया में एक मुकदमा संख्या 57/23 पंजीकृत किया गया था, ये 379 में था। इसमें इंडस टावर जो कि पीपरी में स्थित है, वहाँ पर 7 बैटरियाँ चोरी का प्रकरण था। मुखबिर की सूचना पर थाना केलिया पुलिस द्वारा यह बरामदगी की गई है। कुल 8 बैटरियाँ बरामद हुई हैं। इन 8 बैटरियों में 7 बैटरियाँ इंडस टावर पीपरी की हैं, जबकि एक बैटरी उदनपुरा कदौरा में जो चोरी गई थी वो पकड़ी गई है। ये दो कुल अभियुक्त हैं, इन दोनों के नाम छोटू उर्फ इसराइन पुत्र साबुद्दीन, शफीक उर्फ कल्लू पुत्र रफीक हैं। ये दोनों कोंच के रहने वाले हैं। इनके पास से 1 अदद टेम्पो भी बरामद किया गया है, जिसे 207 MV एक्ट में सीज किया गया है। इसके अलावा 8 बैटरियां हैं, 1870 रुपये नगद प्राप्त किए गए हैं। ये 1870 रुपये इन्होंने बताया कि जालौन में जो बैटरियां चोरी गई थी इन्होंने ही चुराई थी और उसको बेच करके ये पैसा इनको मिला था। ये दोनों अभियुक्त इसके पहले भी इनका आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जिसमें 277/21 जुआ अधिनियम पूंछ में इनके खिलाफ पंजीकृत किया गया था शफीक के, और 157/2023 अभी वर्तमान का जो केलिया में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष केलिया, मैं पुलिस बल के टीम के साथ इनको गिरफ्तार किया। ठीक है।